नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिद्धांत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सेट भोपाली में। तो देखा फ्रेंड, जैसे आपने कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको काइट शॉप दिखाई, टूर्नामेंट से संबंधित जानकारी दी, ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाली है। वो वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको भोपाल और लखनऊ की जो है वो काइट फाइटिंग देखने को मिलेगी। तो हम फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पहले भोपाल की, मेरे पीछे भोपाल की टीम खड़ी हुई है, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो आगे लड़ा रहे हैं, आपसे सबका इंट्रो कराऊंगा। उसके बाद वहाँ सामने जो कार के पास जो आप देखिए, आप वहाँ देखिए कार के पास जो स्विफ्ट खड़ी हुई है और रेड कलर की जो सियाज आके खड़ी हुई है, ये जो है वो वहाँ लखनऊ की टीम खड़ी है, उससे आपका इंट्रो बात कराएंगे। किस प्रकार का माल उड़ रहा है, कैसी पतंगें उड़ रही हैं, कैसा मांजा उड़ रहा है, कौन सी क्वालिटी यूज़ हो रही है, सब आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले आपकी जो है वो मुलाकात भोपाल की टीम से कराते हैं, तो आइए सबसे पहले हम भोपाल की टीम से मुलाकात करते हैं। कैसे हैं भाई? सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई, अपन कितने मेंबर्स हैं अपनी टीम में इस समय? कुल 6 मेंबर लड़ा रहे हैं मेंबर जी। तो थोड़ा सा आप इंट्रो बताएं, थोड़ा सा चेहरे बताएं कि भाई कौन कौन है। ये हैं अनीस भाई, कैप लगाए हुए हैं अनीस भाई एज ए कैप्टन जी। वाइस कैप्टन फेस भाई हैं जी, फेस काइट क्लब के जी। वाइट टी शर्ट में दानिश मियाँ हैं जी, और ब्लैक टी शर्ट में रहीम भाई हैं जी। ठीक है, ये अपने प्लेयर हैं, ये 5-6 मेंबर जी, जो इस वक्त प्रदेश की टीम से लखनऊ से गेम लड़ रहा गाजी काइट क्लब से। अच्छा, और वो आगे लड़ा रहे हैं वो बिलाल भाई? जी हाँ, वो बिलाल भाई हैं और उनके साथ है फेजू, एज ए 6 मेंबर पर पतंग लड़ा रहे हैं। अच्छा, तो अभी मतलब अपन मिलजुल के जो है वो पतंगबाजी कर रहे हैं एक तरीके से अगेंस्ट टीम के साथ। जी हाँ जी। तो अभी अपन क्या उड़ा रहे हैं, थोड़ा सा पतंग वतंग से आप थोड़ा सा इंट्रो कराएं, पतंग वतंग दिखाएं थोड़ा सा। मुख्तसर पतंग हैं भाई यहाँ पर अलग अलग कारीगरों के, जिसमें वली रहमान के भी हैं, शफीकुर रहमान के भी हैं, आगोस्ता क्या नाम है, सॉरी कुछ और भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो अपन चलिए फटाफट पतंगों को देखने की शुरुआत करते हैं। उसमें कुछ अमान की पतंगें भी हैं, आसिफ की पतंगें भी हैं, ये देखिए भाई आराम आराम से दिखाई, थोड़ा मोहर अपन दिखाएंगे तो वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये साजिद का पतंग है जी, साद अक्रम मुराद फरुखाबाद से पतंग, फरुखाबाद का पतंग है भाई। और बताएं भाई, भाई ये दिल मांगे मोर पतंग देखने की हमेशा जो है वो अंदर से एक तलब रहती है एक तरह से। ये भी मुरादाबाद का पतंग है, शाहनवाज काइट सेंटर के नाम है काइट भाई, बहुत शानदार। ये भी साजिद फरुखाबाद से जी हाँ। ये देखिए, ये उस्ताद शफीकुर रहमान का पतंग है। ये पतंग देखिए भाई, ये चीज़ें देखने नहीं मिलती हैं, है ना, करलो आज़ाद नगर मुरादाबाद से उस्ताद हाँ शफीकुर रहमान जी का पतंग है, बहुत ही शानदार। नौशाद काइट सेंटर, बहुत बढ़िया भाई। और बताएं भाई, और बताएं कुछ जी। उमर जी काइट मेकर जी। ये शाविद अंसारी मेरठ, शाविद अंसारी मेरठ का पतंग भाई। ये भी देखिए आप, इनकी भी पतंगे जो है वो नायाब है, बहुत शानदार पतंगे चलती इनकी। और बताइए भाई, और कुछ दिखाइए नगीने भाई। ये भी मुरादाबाद के कारीगर का पतंग है भाई ये। अच्छा जी, देखिए भाई, ये भी मोहर है और थोड़ा सा मोहर धुंधली है, जो आई थिंक सो अब दिख नहीं रहा है, मुरादाबाद से पतंग है, बस इतना जो है वो समझ में आ रहा है। और मिराज भाई का पतंग है भाई, मुरादाबाद से, मुरादाबाद से मिराज का पतंग जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एक मुरादाबाद जी, अमान मुरादाबाद की पतंग हमको देखने को मिल रही है। इसके नीचे फिर हम देखें, ये भाई ये लोकल ही है, मतलब अच्छा भोपाल से है क्या? नहीं नहीं, वहीं का है, मतलब अच्छा लोकल, ठीक है ठीक है। जी हाँ, ये शाविद अंसारी, शाविद अंसारी मेरठ जी, हम पहले भी देख चुके हैं इनकी, बहुत शानदार पतंग। फिर इसके बाद भाई, ये पतंग हम शायद देख नहीं पाए थे, ये मोबिन हुसैन जी का पतंग है आई थिंक, उसका से मुरादाबाद से, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये भाई जामा स्टार, जैन रजा बरेली से, बरेली से पतंग, ये हमारे दोस्त हैं ये जामा भाई। अच्छा अच्छा जी हाँ, ठीक है भाई, बढ़िया 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 बढ़िया। ये लकी मिर्ज़ा जी, मिर्ज़ा, इनको तो देख चुके हैं, इनसे तो अपन मांजा भी ले चुके हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भाई कुछ नायाब पतंगे, कुछ कलरफुल पतंगे, ऐसा कुछ? भाई डिज़ाइन वाली पतंगे तो लड़ती नहीं है भोपाल में, ज़्यादातर प्लेन ही लड़ती हैं, थोड़ी बहुत ही कलर लड़ता है, मांगदार है। अच्छा, तोकिया है, लट्ठेदार है। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए आपको जो है वो लगातार खजाना देखने मिल रहा है। हमारे ज़्यादातर ब्लैक और ब्लू पतंग ज़्यादा जो है वो लड़ने का कॉन्सेप्ट रहता है। नीचे से भी भाई जो है वो कुछ पतंगे दिखा रहे हैं अपने को, अब देखते हैं कि क्या और देखने को। ये देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ निकाली है भाई, वली रहमान मुरादाबाद। ये टिकट वो, ये जो आज इस समय जो सील है इसकी बहुत कीमत है, आज कम से कम 55 रुपए के आसपास इनका जो है एक पतंग होगा। फिर ये क्या, ये नीरज भाई का पतंग है लखनऊ से, अमीनाबाद से, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। तो बड़े भाई, अब अपन मांजा देखते हैं कि मांजे की क्या क्वालिटी जो है वो भोपाल वाले यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई, कौन सी डोरी यूज़ कर रहे हैं आप भाई? ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड ओवेज भाई की। अच्छा,
देखिए भाई, ये जो चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, देखिए आप पास से देखिए, डोर की क्वालिटी आपको समझ में आएगी। ये दुकानों पे डोर नहीं है, ये डोरें जो हैं वो डायरेक्ट आने वाली डोरें हैं और इनकी क्वालिटी की जो है वो बात ही अलग है। और इसके अलावा भाई क्या यूज़ कर रहे हैं अपन? ये जीडी राजू, ये जीडी राजू प्रेस, ये भी अच्छी डोरें हैं। इनकी डोरें भी भाई ये देखिए अभी गिट्टी ख़त्म हुई है, बहुत ही शानदार भाई, बहुत शानदार डोरें जो हैं। और भाई और क्या आप यूज़ कर रहे हैं? ये भाई डोरी है ये जी, जेके की, बहुत शानदार। चरखा थोड़ा सा टूटा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, वो तो हो जाता है भाई, हो जाता है। बढ़िया भाई, बढ़िया डोरी, ये सब 2.23 जी। तो लगभग जो है वो हम भोपाल वालों का जो है सामान देख चुके हैं, क्या पतंगबाजी हो रही है, क्या वो है मांझा उड़ा रहे हैं, क्या पतंग उड़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। आपको पेज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ की ओर लेके चलते हैं। लखनऊ की क्या कवरेज हम करते हैं, क्या वीडियोज़ दिखाते हैं, तो चलिए उनके पास ही चलते हैं, उनसे बात करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम भोपाल वालों का जो है वो कवरेज कर चुके हैं। आप सबसे पहले तो हमारे भाई जो हैं बाहर से आए हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई हमारे शहर में आए। और अरे नहीं भाई, हमारा शुक्रिया नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं तो आपका शुक्रिया ज़रूर हमारा करना बनता है। हम मतलब आप आए हैं तो हमारी तरफ से भाई आप इतनी अच्छी पतंगबाजी कर रहे हैं, मैं भी आधे घंटे से देख रहा हूँ, आपकी टीम बहुत अच्छा लड़ा रही है। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कराइए अपने प्लेयर से, उसके बाद हम थोड़ा माल मटेरियल देखना चाहेंगे। देखिए, मेरा नाम कामरान मेहंदी है जी, ये हमारे दोस्त हैं गुड्डू भाई जी, ये उनका बेटा है, हमारा भतीजा फातिर जी, जो अभी बिल्कुल नया हमारा भाई, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी पतंग लड़ाई भाई, बहुत अच्छा पतंग खींचा भाई इन्होंने। ये हमारे छोटू सरदार जी बैठे हुए हैं जी, छोटू सरदार, और वो जो लड़ा रहे हैं वो आका शाहिद है जी। हम लोग 5 मेंबर आए लखनऊ से जी। तो आप थोड़ा सा माल मटेरियल दिखाएंगे अपना, पतंगे क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या मांझा यूज़ कर रहे हैं भाई? देखिए, ये हमारे एक है लखनऊ के बाराती, ये फिलहाल ये उनकी पतंग है जी। बाकी हमारे पास जो है मेरठ की भी बहुत सी पतंगे हैं, लखनऊ की भी हैं, मुरादाबाद की भी हैं। खजाना तो खुलने के बाद ही समझ में आता है कि भाई कितना नया बताएं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं जी, ये बाराती की पतंग है, ठीक है जी। ये देखिए भाई, तो उसके बाद ये जो है दो पन्नी पट्टी का, मोहर दिखाने का शौकीन है। ये हमारे लखनऊ के कारीगर हैं भूरे। अच्छा, भूरे भाई, हाँ, ये उनकी पतंग है, ठीक है भाई, ठीक है। फिर ये लखनऊ के बहुत मशहूर कारीगर है आशिक अली जी की पतंग, ये उनकी पतंग है। देखिए भाई, सील देखिए, ये देखिए भाई, फिरोज काइट सेंटर, आशिक अली जी, मोहिनी का नहीं, मौलवीगंज की है ये जी। हाँ, ये दुकानदार है। अच्छा, कारीगर जो है वो ये आशिक अली जी। ये देखिए भाई, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बात। ये शावेद अंसारी की पतंग है मेरठ की जी, शावेद अंसारी जी। ये देखिए भाई, शावेद अंसारी जी भाई के काइट। ये हमारे लखनऊ के कारीगर है अयान, और ये हैरी पॉटर जिसको कहते हैं, हैरी पॉटर, हाँ, ये उसकी पतंग। देखिए भाई, हॉलीवुड से ही पतंगें बनने आने लगी भाई, हैरी पॉटर जी की पतंग है, और हॉलीवुड वाले भी अब जो है वो पतंगबाजी में लगातार जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ही शान। SM सनी, ठीक है भाई। आपके यहाँ तो भाई एक से बढ़कर एक लोग हैं, और आप जैसा शौक आई थिंक सो और कोई नहीं करता है ना? ये नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो पतंगबाजी बहुत दूर तक बहुत पूरे इंडिया में हो चुकी है। अभी लखनऊ में बैंगलोर की टीम भी आई थी। अरे वाह जी, हाँ, आईटी सेक्टर को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं? बिल्कुल, अरे वाह, कोशिश यही है, मेरा भी अपना एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा, मेरा लखनऊ से जो काइट फाइटर 110 आईडी, उसकी काइट फाइटर के नाम से है जी। हाँ, तो कोशिश, उम्मीद ये करूंगा कि आप उसको भी प्रमोट करेंगे और उसको सब्सक्राइब कराएंगे। हाँ, बिल्कुल कराएंगे, ये काइट फाइटर 110 के नाम से। ठीक है, ये एक बैग हम देख चुके हैं, इसके बाद अगले बैग के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं भाई, थोड़ा सा पतंग जो जमा लें, तब तक अगले बैग का इंतजार करते हैं थोड़ा सा भाई। एक पतंग जो है वो ये छूट गई थी, मोहम्मद अमान जी की पतंग है, अयान जी की पतंग है, ये भी बहुत शानदार जो है वो पतंग भाई ने दिखाई। अब दूसरी है भाई, क्योंकि पता है गाड़ी में रखा होगा। अच्छा, बताएं भाई, ये रईस की पतंग है भाई, रईस, ठीक है जी भाई, सरदार जी। अच्छा लगता है इस गेम में, ये बात तो है कि अलग अलग लोग जो हैं वो आके आपसे मिलते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से मिलते हैं, तो शौक रॉकेट की पतंग है भाई, रॉकेट, अरे बहुत ही शानदार भाई। देखिए भाई, ये देखिए भाई, आप पास से देखिए, इन चीज़ों को देखने का जो आनंद है वो भाई किसी और चीज़ में मिल ही नहीं सकता भाई। और दिखाएं भाई, ये दिल मांगे मोर भाई, पतंगे देखने का बहुत शौक है भाई अर्जुन भाई। देखिए भाई, नई सीट के साथ खिंचाई, बिल्कुल रॉकेट बन जाए जो पतंगे भाई, बहुत ही शानदार भाई, बहुत शानदार। नाजिम मुरादाबाद, देखिए भाई, नीचे इनकी ये सील है, नाजिम मुरादाबाद, बहुत ही शानदार भाई, बहुत शानदार भाई। देखिए भाई, बैग को देखते रहिए, यहाँ आपको कुछ भी मिल सकता है, नायाब खजाने जो हैं वो इसके अंदर छुपे हुए रहते हैं भाई, एक तरह से।
अरे वाह भाई, बाबू अनीस, बहुत शानदार भाई। ये देखिए भाई, बाबू अनीस मुरादाबाद, बहुत शानदार भाई, बहुत ही शानदार पतंगबाजी भाई, बहुत जानदार जी। किसकी भाई? रजी अंसारी, बहुत शानदार भाई मुरादाबाद। अच्छा अच्छा, ख़त्म हो गए। अच्छा, तो आपने नायाबी के रूप में रख रखी है। हम पतंगे लगभग देख चुके हैं, थोड़ा सा मांझे की देखते हैं कि मांझा जो है वो लखनऊ में क्या चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ जीडी राजू काफ़ी अच्छा चल रहा है और आसमान का तूफान काफ़ी चल रहा है, ये क्या उड़ाते हैं वो चीज़ भी हम देखते हैं और किस तरीके से उनका जो है वो शौक चल रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। भाई हम फटाफट मांझा कवर कर रहे हैं। भाई पहले दिखा रहे हैं भाई, अयन सेवन स्टार भाई, बहुत ही शानदार डोर। ठीक है भाई, अयन ट्रिपल नाइन टॉप स्टार भाई, बहुत। ये देखिए भाई, ट्रिपल नाइन, इन डोरों को छूने की ज़रूरत नहीं है। ये डोरें अपने नाम से ही इनकी जो है वो एक तरीके से प्रचलित हैं और फेमस हैं भाई, एक तरीके से चीज़ें। शेर की दहाड़, बहुत ही शानदार, सुशील काइट सेंटर लखनऊ, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। और भाई और क्या उड़ा रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे अभी क्योंकि वो आगे जो हैं वो टीम के मेंबर्स और भी गए हुए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, तो इस प्रकार से हमने कवरेज किया, ये लखनऊ का कवरेज रहा। हम अब थोड़ा सा पतंग की ओर फोकस करते हैं कि किस हिसाब से पतंगबाजी हो रही है। आज हवा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया पतंगें जा रही हैं, तो फटाफट आगे की ओर अपन चलते हैं। आज हम भोपाल के एक शानदार प्लेयर छोटू भाई से मिलने आए हैं और हमारे पीछे उमंग भाई भी खड़े हुए हैं, अमित भाई खड़े हुए हैं। तो कैसे हैं भाई? जी बढ़िया, दुआएं आपकी मजे में। भाई टूर्नामेंट का क्या चल रहा है? 18 तारीख से शुभारंभ होने वाला है टूर्नामेंट का भोपाल में जो। जी जी, उसके लिए अभी अल सब शुरुआत चल रही है, एंट्री फीस आना शुरू हो गई है। जी, करीब 15-20 एंट्री हो गई हैं, पार्टिसिपेंट करा है लोगों ने भोपाल में। यहाँ पे कुछ 64 टीमों का 64 टीम्स का हमारे यहाँ है कि हमें उसको कराना है। अच्छा जी, पहले 32 बोला गया था, लग रहा है कि अब बढ़ जाएंगी टीमें, काफ़ी भी क्लब हैं भोपाल के अंदर, तो इसलिए सब चाह रहे हैं कि हम भी पार्टिसिपेंट करें और टूर्नामेंट को आगे बढ़ाएँ। मैं 2017 का मैंने टूर्नामेंट देखा था, वो तो बहुत नायाब रहा, मुझे लगता है कि उससे कई गुना ज़्यादा ये सक्सेस होने वाला। जी बिल्कुल उससे ज़्यादा अच्छा। हम लोगों की कोशिश है कि जो हमारी यहाँ की टीमें हैं, एसोसिएशन है, वो चाह रही है कि उससे अच्छा हम कराएं। फिर इंशाल्लाह 2025 में ऑल इंडिया कराने का हो रहा है। अरे वाह, इससे खुशखबरी हो ही नहीं सकती। भोपाल ऑल इंडिया आएगा तो भोपाल बहुत तरक्की करेगा पतंगबाजी में, और मेरी दिली तमन्ना है इस चीज़ की कि भोपाल का नाम भी जाने माने लोगों के बीच में हो। आज लखनऊ आइए, कल हमारी टीम भी बाहर जाए तो उसे भी ऐसा ही सम्मान मिले जैसे बाहर की टीमों को हम सम्मान देते हैं। और बताइए भाई, और कुछ खास? हम लोग जाते रहते हैं बाहर, सब जगह लड़ाई हुई हमने, टीम पूरी भोपाल की टीम जो है हर जगह जितने भी अपने इंडिया में ज़्यादातर जहाँ टीमें लड़ती हैं वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ लड़ाके हैं, शो करके आते हैं और हर बार जीत के आए माशाल्लाह। लखनऊ हुआ, औरंगाबाद हुआ, मुरादाबाद हुआ, गोरखपुर हुआ, वहाँ तक हम लोग जाके शो करके, बम्बई अलीगढ़ सब जगह जाके टीम में जीत के आई हैं भोपाल की। मैं गया हूँ सब जगह लड़े हुए हूँ मेरी टीमें भोपाल से, जहाँ जब बाहर टीम गई है तो मैं जाता हूँ और शो करके आता हूँ। काफ़ी बढ़िया रहा है ना, और भाई से जो है वो टूर्नामेंट में मुलाकात होगी और पूरा सपोर्ट, मुझे लगता है कि भाई अपना पूरा सपोर्ट हमारे को बना के रखेंगे, है ना? बिल्कुल, आपको बुलाएंगे, आपका नंबर है हमारे उमंग भाई के पास, और आइए आप कवरेज करिएगा पूरा पूरे टूर्नामेंट का, ताकि जो लोगों को नहीं है शौक उनके अंदर भी शौक पैदा हो भोपाल के अंदर और टूर्नामेंट में। आइए आप, आपको वेलकम है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो चलिए भाई, अब जरा पतंगे दिखा देते और फिर मुलाकात करेंगे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो अब हम जो एक कैप्टन साहब जो थोड़ा आगे पतंग लड़ाने गए थे, अब थोड़ा फ्री हुए हैं तो हम उनसे भी बात कर लेते। तो भाई कैसा लगा भोपाल आके आपको? भाई बहुत अच्छा लगा, इससे पहले भी हम कई बार आ चुके हैं। अच्छा, और आपको बता दें कि मैं भोपाल में आज से नहीं, करीब मेरे ख्याल से 40 साल से आ रहे हैं। अच्छा, नहीं कह रहा, जैसे एसोसिएशन से मेंबर हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा क्या है? नहीं, सब ठीक है, अच्छे हैं, सब बढ़िया है, सब लोग अच्छे हैं। जो है वो भोपाल वालों को पतंग आता हुआ, ऊपर से जो है लखनऊ वाले पतंग रखते हुए, नीचे वाला पतंग बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ तोड़ता हुआ, ऊपर वाला जो है पतंग उतना ही पार निकाल कर आता हुआ। और ये देखिए फ्रेंड्स, तोड़ते हुए कितना छोटा पतंग कर रहे हैं, और ऊपर वाला जो है वो गद्दा निकालता हुआ और अपने पतंग को रोक ही नहीं रहा है। बस यहाँ बल उसने चलाए हैं, पतंग अंदर रखा है, थपकी मार रहा है, और ये नीचे वाले ने बहुत ही सलंग खींच के काट दिया है बहुत। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से पेच लड़ता हुआ, ऊपर से जो है भोपाल वाले पतंग रखते हुए, नीचे से जो है वो लखनऊ वालों को पतंग लड़ता हुआ। थोड़ा सा जो है वो पतंग कम जो है वो लखनऊ वालों का पार है, इन्होंने पतंग फेंकी थी लेकिन उसमें, और बहुत ही शानदार डोर फेंकी फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया डोर फेंकी, हल्का सा रखा है, झटकों पे रखा है पतंग, बहुत ही शानदार डोर फेंकी थी फ्रेंड्स। देखिए
पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। क्या जोर फेंकी थी फ्रेंड्स, अब जो है नीचे से फिर से जो है पतंग को लेके आते हुए, ऊपर से भोपाल वाले जो है वो पतंग को अंदर रखते हुए, ये पूरी तरीके से अंदर पतंग को रखा है और ये अब गद्दा मारने के लिए जगह करी है और इसमें जो है वो पतंग जो है चटक चुका है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये पतंग लड़ता हुआ, इस पतंग में नीचे से जो है वो लखनऊ वाले अपनी पतंग लड़ा रहे हैं, ऊपर से भोपाल वाले अपनी पतंग लड़ा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पेच में होने वाला क्या है। सबसे पहले नीचे वाला अपनी पतंग को अंदर की ओर कसता हुआ, ऊपर वाला अपनी पतंग को ऊपर की ओर उठाता हुआ, वह अपनी पतंग को बाहर बचाने की कोशिश करता हुआ वापस हल्का सा रखते हुए अंदर आ रहे हैं। दोनों अपनी तैयारियों को जो है पूरा ले रहे हैं और ऊपर वाला जो है पतंग नीचे की ओर रख रहा है, लखनऊ वाले जो है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बलों पर रखा है, थोड़ा सा पट की ओर दिखाया ताकि दोनों अपनी तैयारियों को पूरा करते हुए। अब नीचे वाला जो है वो अपनी पतंग को धीरे धीरे ऊपर चढ़ा रहा है, ऊपर वाला अपनी पतंग को बचाने की कोशिश कर रहा है। लगातार जो नीचे वाला है वो अपनी पतंग को अंदर कस रहा है और वहीं ऊपर वाले ने भी जो है वो अपनी पतंग को जो है अंदर कसा है। अब देखना यह है कि इस पतंग का जो है वो क्या फैसला होने वाला है। नीचे वाले ने अपनी पतंग को ऊपर चढ़ाया, हल्की सी थपकी देके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी है, नीचे क्रॉस पट मारने की कोशिश करी है और ये पूरा पतंग जो है ऊपर वाले नीचे गद्दा मारा, ये बाहर खींच करके काटने की कोशिश करी थी और थपकी ऊपर रखते हुए बहुत ही शानदार पेच काटा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, फिर से जो है वो पेच लड़ता हुआ, दोनों जो है वो अपनी पोजीशनों को लेके सही करते हुए, नीचे से वापस लखनऊ वाले लड़ाते हुए और लेफ्ट हैंड की तरफ से ऊपर से भोपाल वाले लड़ाते हुए, भोपाल वाले जो है पतंग लाते हुए, नीचे से लखनऊ वाले थोड़ा सा अंदर की ओर रखते हुए, भोपाल वालों का पतंग थोड़ा सा बाहर है जिसका उन्हें फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये अंदर की ओर जो है वो पतंग रखा है और लगातार लखनऊ वाले जो है वो अपनी जगह जो है बनाने की कोशिश करते हुए, भोपाल वाले थोड़ा सा खींच के कम करते हुए और देखिए अब पतंग जो है वो डाउन करेंगे। भोपाल वाले की भी काफ़ी पतंग जो है वो उठा के दे दी है नीचे वालों ने। अब जो है वो अंदर की ओर बैठते हुए हल्के से बल लेते हुए हल्का सा पतंग फिर और थोड़ा तैयार करते हुए और फिर जो है वो हवा दिलाते हुए पतंगों को दोनों तरफ से, नीचे से लखनऊ वालों ने अंदर जो है वो बाहर के बल रखे हैं इस समय और नीचे से जो है तिरछा गद्दा उतारने की कोशिश करते हुए और बहुत ही शानदार नीचे वाले ने सिर्फ हल्की सी रख के और हल्के। फ्रेंड्स, ये जो है वो अगला पेच लड़ता हुआ, नीचे से जो है वो लखनऊ वाले लड़ा रहे हैं, ऊपर से जो पतंग लड़ रही है वो भोपाल वालों की पतंग है, अंदर से जो है वो पतंग को जो है ऊपर चढ़ाया जा रहा है, हल्का सा लचक देखी जा रही है पतंग की, पतंग किस हिसाब से चल रही है, क्या हो रहा है। ऊपर वाली पतंग जो है वो लगातार अपनी पतंग को डाउन कर रहा है, दोनों तरफ से जो है वो सही की आवाज़ आ चुकी है। ये जो है वो नीचे वाला अंदर कसते हुए पतंग को पूरी तेज़ी से और लगातार पतंग जो है वो अंदर की ओर रखते हुए, ऊपर वाला जो है उनके कन्नों की ओर भगता हुआ चपटा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये जो है वो लचक झचक के साथ जो है पतंग चल रही है, ये बाहर खींचा है हल्का सा, ऊपर वाले ने अंदर की ओर दबा लिया, ये तिरछा गद्दा उतारने की कोशिश करी है, ये नीचे वाले ने खींच के सलंग काट दिया है। बहुत ही शानदार पतंग फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा शानदार जो है वो नायाब पतंगबाजी रही और दोनों टीमों से मैंने आपको मिलवाया, दोनों टीमों की जो है वो पतंगबाजी आपको दिखाई, पेज भी जो है मैंने दिखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे साथ यहीं बने रहिए, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपना सपोर्ट बना के रखिए। आखिरी में भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।